हावड़ा ब्रिज। यह ब्रिज क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाई थी, जिसकी लंबाई 705 मीटर है। यह ब्रिज कोलकाता और हावड़ा जैसे दो सिटीज़ को कनेक्ट करती है और यह हुगली रिवर के ऊपर बनी है। यह एक कैंटिलीवर ब्रिज है जिसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। यह ब्रिज वर्ल्ड की 6th लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज है और वर्ल्ड की सबसे बिजिएस्ट कैंटिलीवर ब्रिज भी है, जिसमें हर दिन 1,00,000 से ज़्यादा व्हीकल्स और 1,50,000 से ज़्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। इस ब्रिज को बनाने में 26,000 टन स्टील लगी थी, जिसमें कि 23,000 टन टाटा स्टील ने सप्लाई की थी और 25 मिलियन की लागत से बनी यह ब्रिज सबसे पुरानी हैंगिंग ब्रिज है। यह ब्रिज को बनाने में पूरे 6 साल का वक्त लगा था और अभी इसकी देखभाल की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने उठाई है। साल 2004 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने 50,000 रुपये इस ब्रिज पर सिर्फ बर्ड्स ड्रूपिंग को साफ करने में खर्च कर दिए। फिर उसे 2 लेयर एल्युमिनियम से पेंट करने के बाद जिंक क्रोमेट प्राइमर से पेंट किया गया और इस काम को करने के लिए $6.5 मिलियन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने खर्च किए। और फिर 2011 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने यह बताया कि स्पिटिंग के कारण जो नीचे का हिस्सा है उसकी थिकनेस कम होती जा रही है और फिर उसे फाइबर ग्लास से कवर किया गया जो कि उसे रस्ट होने से बचाएगी। और इस काम में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने 2 मिलियन का खर्चा किया। जाहिर सी बात है, अगर ऐसी ब्रिज है तो उसे अच्छे से मेंटेन भी किया जाएगा और इसीलिए इसमें करीब 17,80,000 रुपये हर साल इसके मेंटेनेंस में लगती है।